मसीह विरोधी की पहचान के बारे में बहुत सारे अनुमान लगाई जा रही है। इन अनुमानों में कुछ प्रचलित व्लादिमीर पुतिन, पोप बेनेडिक्ट 16 और अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा, वैसे कई सारे लोगों को मसीह विरोधी के शीर्षक दिया गया था। मसीह विरोधी कौन है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? बाइबल वास्तव में ऐसा कुछ भी विशेष रूप से मसीह विरोधी के लिए नहीं कहती है कि वह कहां से आएगा। कई बाइबल के विद्वान ये सोचते हैं कि वह 10 राष्ट्रों और या एक नया रोमन साम्राज्य के एक महासंघ से आएगा, क्योंकि दानियल 7:24 और प्रकाशित वाक्य 17:7 में उसके बारे में संकेत दिया गया है। अन्य लोग उसे एक यहूदी के रूप में देखते हैं जो यह स्वयं के मसीह होने का दावा करेगा। ये सभी के सभी केवल अनुमान है, क्योंकि बाइबल ऐसा कुछ भी विशेष रूप से नहीं कहती है कि मसीह विरोधी कहां से आएगा और किस जाति का होगा। एक दिन मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। दूसरा तिस्सलुनीकियों 2:3-4 में हमें बताता है कि हम कैसे मसीह विरोधी कर पहचान कर सकते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ऐसी संभावना अधिक है कि अधिकांश जीवित लोग जब मसीह विरोधी प्रकट होगा तो उसकी पहचान के कारण बहुत अधिक आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मसीह विरोधी आज भी जीवित हो सकती है और नहीं भी हो सकता है। मार्टिन लूथर सोचता था कि उसके समय का पोप मसीह विरोधी था। 1940 ईस्वी सदी के मध्य में अधिकांश लोगों ने विश्वास किया कि अडोल्फ हिटलर मसीह विरोधी था। अभी तक वे सभी सही नहीं ठहरे। हमें इन सभी अनुमानों को एक किनारे रख देना चाहिए और जो कुछ बाइबल वास्तव में मसीह विरोधी के बारे में कहती है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 13:5 उसका 5-8 वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। इस कारण बाइबल में ऐसा कुछ भी विशेष रूप से नहीं कहती है कि विरोधी मसीह कहां से आएगा और किस जाति का होगा। तो हम भी अनुमान लगाना बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।